तो भाई ये देखो, आप देख सकते हो कैसा बारिश का मौसम हो गया है। जस्ट अभी कुछ बारिश का मौसम नहीं था, कुछ नहीं था ज़्यादा, मतलब इतना ये नहीं था, बट अभी हो गया है क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं इसके वजह से। और मैं अभी अकेला हूँ आज, डैडी काम पे गए हैं। तो यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग भाई, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। ओके मल्ला चलो फिर। यस भाई, अभी मल्लार और हम अब देख सकते हो जा रहे हैं वॉक के लिए, और बारिश आ गया है। ओके तो काम 25 होने वाला है। और बारिश में क्या होता है भाई, ब्लॉक करने का मतलब ये भी नहीं होता है, मतलब जमता भी नहीं है, क्योंकि सीन ही वैसा होता है बारिश में। ए स्नैफ बॉय, ये देखो मस्त घूमेगा अभी। बारिश में सीन ही वैसा होता है कि भाई हम लोग मस्त घूम रहे और बारिश आएगा तो बीच में फ़ोन पे ड्रॉप्स वगैरह गिरे, ये सब कुछ ब्लर आएगा, मतलब नहीं है। के मल्लार, ए मल्लार, ये देखो इधर है, देखो आया। ए कुछ टेंशन नहीं है, हम लोग मस्त एकदम वॉक करते थोड़ा बहुत और रिटर्न आ जाते। ओके ऐसा है गाइस, ये देखो आप देख सकते हो बादल थोड़े ऊपर थे, वो चले गए ये तरफ चले गए, इधर आगे की तरफ। और मल्लर को देख सकते हो भाई, वन साइड घूमता है। थामे मल्लर, इकड़े ए इकड़े थाम। क्या लगता है भाई, समस्या नहीं। ए मल्लर, वो देखो देखो, ये मैं गाइस मतलब सीन क्या है, अभी लोग बोलते हैं कि डॉग ऑफ, ए इकड़े मल्लार क्यों, डॉग ऑफ लीज घूम रहा है, डॉग ऐसा करता है, डॉग ऐसा करता है एकदम। अभी ये जो मेरा डॉग ऑफ लीज घूम रहा है ना, ये इसको मैं ऑफ लीज नहीं बोलूंगा, ये नॉर्मल पट्टे से छोड़ा हुआ है डॉग को। ओके ए हम देखो गाइस रोड से कैसे गया है प्रॉपर, ये ना ये गाइस, इसको ऑफ लीश नहीं बोलते, ऑफ लीश मतलब क्या, आपके लेफ्ट लेग के साथ आपका डॉग वॉक कर रहे है। देखो इधर भी बादल आ गए भाई, ये देखो ठीक है, समझ रहे आपको, बारिश है ना नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ। ए थाम जरा मल्लर, 2 मिनट थाम। और गाइज ये होता है ना, क्या होता है पता है, डॉग है ना ऑफ लीश घूमना ये कराना भाई किसी के बस की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि बोलते हैं ना वर्किंग डॉग को ऑफ लीश घुमाना इजी नहीं रहता है। ओके तामे मल्लार, मल्लार पूछ बॉय, वर्किंग डॉग को ऑफ लीश घुमाना, ए ताम इकड़े बक काय कुठे क्या करते गाइस पता है ये। हाँ चलो, तो भाई एक बात बोलता हूँ कि वर्किंग डॉग जो रहते हैं ना उनको ऑफ लीश घुमाना इजी बात नहीं। हाँ चाहे आप जो भी इक्विपमेंट यूज करो, जो भी टूल यूज करो जो आपके मन पे आए, बट एक बार डॉग इम्यून हो जाता है ना तो भाई कुछ ये नहीं होता है। अगर एग्रेसिव डॉग रहेगा, ह्यूमन एग्रेशन नहीं रहेगा तभी भी, और एनिमल एग्रेशन रहता है ना तो डॉग का मतलब अपन ये नहीं कर सकते ऐसे। अभी मल्लर जो है उसको सिर्फ लाइटली, मतलब जो भी उसको बचपन में परेशान किए डॉग, जो भी उसको एग्रेसिवली बार्क करते हैं, मतलब ब्रीड डॉग्स रहते ना ओ, तो उसका थोड़ा बहुत, ए इकड़े इकड़े मल्लर उस, हाँ तो उसका थोड़ा बहुत एग्रेशन है, बाकी कुछ सीन नहीं है। मल्लर इतना मतलब वॉक अच्छा करता है ना, अगर मैं उसको होल्ड करके चलाऊंगा ना तो आपको समझेगा कि ऑफ लीश वॉक क्या रहता है। और
विदाउट मतलब नॉर्मल छोड़ा हुआ विदाउट लीश बोलते ना उसको, वो क्या रहता है। अभी ये देखो ये वॉक कर रहा है, पुश देखो कमांड पे रुका, मैंने मेरे हाथ में कुछ एक हाथ में फ़ोन था, ये हाथ में तो मैं एक नॉर्मल लीश पकड़ा हुआ हूँ, ना लीश उसके गले में ना कुछ है, इधर सामने डॉग्स है ये देखो ओके। और अभी बारिश आने वाला है तो हम मैं कमांड देता हूँ, देखो क्यूक ए नाफ क्यूक बॉय। देखो अभी ये आपको लगता रहेगा ना, ये देखो रुका है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये डॉग जो है ना, ये डॉग एक डॉग है वो उसका कभी मल्लर के साथ जमा नहीं है, बाकी सब डॉग अच्छे। ये देखो मल्लर खुद ने रोड चेंज कर दिया, क्योंकि ये इसको है ना किसी के साथ ऐसा फालतू में झगड़ा नहीं करना रहता है किसी के साथ भी। अभी लोग बोलते हैं कि डरता है, ये करता है वो करता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा भी डॉग डरता नहीं है, कौन सा भी डॉग डरेगा नहीं, ठीक है। एक डॉग का एक बाउंड्री रहता है, वो बाउंड्री क्रॉस किया कोई डॉग तो भाई वो अपना ये दिक्कत है बिहेवियर ओके। ऐसे अभी मैं इसके साथ हूँ तो मेरे को ये देखो कितने डॉग बैठे, देखो मैं इसके साथ हूँ, ए चल भाई फालतू चल पर, हाँ पर देखो कैसे बात कर रहे, देखो ग्रुप में रहते तो वो डॉग जो है ना ब्राउन वाला वो थोड़ा ये है। चल मतलब कल मैंने इधर नहीं लाया था, कल आपने देखा रहेगा इधर पानी वगैरह भर गया था और अभी बारिश चालू हो गया गाइस। जी जी हम लोग जब आते हैं तब भाई बारिश चालू होता ही है, हम लोग को बारिश सरप्राइज देता ही है, ऐसा सीन है ओके। क्योंकि हम लोग अभी मतलब ये करते हैं ना जो क्या बोलते हैं उसको, नीचे उतरते हैं ना तो भाई फटक से वेदर चालू होता है, घर पे देखेंगे बारिश नहीं है कुछ नहीं वेदर नहीं है। कल भी आफ्टरनून में मैं फ़ोन लेके जाने वाला था नीचे, बट बारिश थी नहीं इसलिए मैं फटफट गया नीचे, और जो नीचे बिल्डिंग के उतरा भाई बिल्डिंग के पीछे साइड गया, जो जोर से बारिश चालू हो गई मैं पूरा भीग गया, और मल्लर को तो रेनकोट नहीं डाला था मैंने, मल्लर था विदाउट रेनकोट तो भाई उधर भी काम 25 हो गया, तो मल्लर तो भी भीग गए ऐसे। तो ये सभी आ गए हम लोग ग्राउंड में, अब देख सकते हो, और देखो मल्लर का सीधा एंट्री ग्राउंड में, सीधा एंट्री ग्राउंड में, कुछ ये नहीं कुछ वो नहीं, सिर्फ ग्राउंड में एंट्री करता है। और आप देख सकते हो मस्त एकदम कैसे बादल वगैरह आ गए, आधा जगह पे बादल है आधा जगह पे बादल नहीं है। अभी ये बारिश गिरेगा कितना टाइम गिरेगा मेरे को पता नहीं, ये देखो। और अभी हम लोग जा रहे ये तरफ हमारा जो रोज का रास्ता है उधर की तरफ, और ये देखो इधर ये जो दुर्वा रहता है वो भगवान के लिए यूज होता है ना, उस वो निकल रहे हैं, और ये जो दुर्वा वगैरह जो बोलता है ना मेरे को पता नहीं उसको कौन सा ग्रास बोलते, हाँ ये देखो ए ये गाइस है ना ये डॉग अभी मल्लर का फ्रेंड हुआ है, वो चॉकलेट डॉग फ्रेंड भी नहीं है वो, अरे व्हाट द फक, अरे वो फ्रेंड वाला डॉग नहीं है वो एग्रेसिव डॉग है, और वो जो पीछे वाला ब्लैक डॉग वो कोई मारा है यार, इधर लोग है ना ऐसे लोग है कि भाई डॉग अगर अपने फेवर में है तो भाई कुछ नहीं करेंगे, अगर डॉग उनके फेवर में नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा सीन रहता है। मेरे को समझता नहीं भाई डॉग लोगों को मारते क्यों है, बेजुबान जानवरों को मारते क्यों है। अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा जिधर एक डॉग है, मतलब बारिश जोर से है, जिधर एक डॉग है मतलब अपना मुंबई में ही है बट इधर है किधर एक एनिमल है मतलब पेट डॉग है वो, भाई कौन सा तो डेयरी फार्म वाले ने उसको आयरन रॉड से मारा, भाई कितना मतलब बुरा लगता है। और वो आयरन रॉड से मारना भाई वो रॉड उसके सिर पे डाला रहेगा क्या जो भी है, भाई कितना बुरा लगता है भाई, हाँ। और वो लोग ने कुछ एक्शन नहीं लिया, सिर्फ FIR किया, FIR करके कुछ मतलब नहीं है, कुछ रिटर्न एक्शन लो और FIR करो ना भाई, आपके डॉग को पूरा जान से मारना है ये करना है, तो भाई ये कितना सही है कितना गलत है भाई, ऐसा हमारे डॉग के साथ कोई करे, हम मेरे पहचान वाले डॉग के साथ कोई करे है ना तभी हम लोग दिखाए।
क्या हो जाएगा। नहीं मेरे पापा तो भाई छोड़ेंगे नहीं, मेरे पापा तो भाई इतना गुस्से वाले है ना, मतलब ऐसा मल्लर को लेके बहुत प्रोटेक्टेड है। ओके तो यस ऐसा रहता है, मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं ना किसी का सुन के लेता हूँ बिना बात का, है ना ऐसा है। तो मल्लर के बारे में भी भाई अपन ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, जिसको जो करना है करो, है ना भाई। FIR वगैरह से कुछ नहीं होता, मैंने देख लिया है, बहुत से इंस्टा पे पोस्ट देखे है, कुछ नहीं होता। 50 रुपये दे के बेल होती है इनके केस में, तो भाई 50 रुपया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके डॉग की जान इम्पोर्टेंट है वो देखो। कौन सा भी आपका डॉग, आपके एरिया का डॉग, स्ट्रीट डॉग, उसको कोई मारता हुआ दिख रहा है तो भाई उसको चिल्लाओ, मारने मत दो, कुछ ना कुछ करो अपने एंड से, अगर आप डॉग लवर हो, नहीं तो आप काके डॉग लवर हो भाई। हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, तो डॉग लवर आप खुद को बोलो मत, है ना। डॉग लवर जो रहते भाई कुछ ना कुछ करते, आप खाना देते हो, आप कुछ टेक केयर करते हो डॉग की, आपके पास डॉग है, आपके पास कुछ है, तो भाई उसको डॉग लवर बोलते है ना। ऐसा नहीं कि भाई कुछ है बस नाम के लिए रखा है, मेरे पास डॉग है, मैं ये हूँ मैं हो हूँ, ऐसा नहीं होता। अभी मैं मल्लर को मिक्स करता हूँ भाई डॉग में, हर एक डॉग में, तो भाई मेरे को कितना कमेंट आते, अरे भाई ऐसा मत करो, डॉग को आपके डिसीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई मैं संभाल देता हूँ, बट कैसा है डिसीज़ होना, ये होना, वो होना, भाई अच्छी बात नहीं है ना, मेरे को पता है वो। बट रुके था मल्लर, अच्छी बात नहीं है वो, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ अरे जा जो होगा वो होगा, बट मेरे को पता है, और मेरे को पता है कौन से डॉग से क्या प्रॉब्लम होगा। आज स्ट्रीट डॉग है, कुछ भी खाता है, ये करता है वो करता है, बट भाई जो है ना उसको कोई कोई डॉग जो बच्चे लोग बच्चे डॉग है ना, मतलब जो अडल्ट नहीं हुए है वो ही उसको मिलने आते, वैसा करते है ना, मतलब वो सब लाड से करते ना, अपन के सारे मस्त हग वगैरह करते ये सब करते मिले तो वैसा वो लोग करते, और बहुत दिनों बाद मिले तो बहुत उनका एनर्जी वगैरह रहता है, तो बहुत ये करते उसको मल्लर को, तो ऐसा रहता है भाई। बट आप अगर देख रहे हो वीडियो और कंटिन्यू देख रहे हो तो किसी ने देखा रहेगा भाई मुंबई से है, और आपको अगर आपको कैसा लग रहा है ना, आपके क्या व्यूज है वो सीन पे, वो इंसिडेंट पे, कि भाई वो बंदे ने जो भी था डेयरी फार्म का बंदा मुंबई का, उसने अपना जो बोलते हैं ना कि एक पेट डॉग को रॉड से मारा है, क्या रीज़न है क्या नहीं है भाई मेरे को पता नहीं, ठीक है, बट उसको रॉड से मारा है, तो कितना गलत है और कितना सही है बताओ। बट ये देखो सही तो है ही नहीं, कितना गलत है आप क्या बोलते हो, मतलब अगर आप देख रहे हो आपके व्यू क्या है, अगर आपको ये स्टोरी पता है तो आपका इसमें मतलब योगदान क्या है ना, आपका सोच क्या है वो मेरे को बताओ। क्या कंप्लेंट करना एक अच्छा राय है, मतलब ऐसा मैं पूछ रहा हूँ भाई कि कंप्लेंट करेंगे तो अच्छा ही है, वेल एंड गुड, बट कंप्लेंट का कुछ यूज़ होना चाहिए ना भाई, एक ऐसा एक होना चाहिए, मतलब एक छाव छूटनी चाहिए कि भाई अपन ये कंप्लेंट करके कुछ ना कुछ मतलब यूज़ हो गया। और जो मतलब लोग करते आ रहे हैं, कोई भी स्ट्रीट डॉग पे करो, पेट डॉग पे करो, कौन सा भी डॉग हो, कौन सा भी एनिमल हो, उस पर करते आ रहे, तो थोड़ा छाव छूटेगी तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा, है ना। मतलब लोग दूसरा मतलब लोग ये काम करने से डरेंगे ना, जैसा आदमी को कुछ करते कुछ भी करते तो उसके ऊपर जैसा केस होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो भाई कैसा करते है ना, तो वो करने से डरते हैं लोग, है ना। कानून के ऊपर कुछ है नहीं बराबर, बट इनके लिए क्यों कानून नहीं है, ऐसा है ना सीन, तो वही मेरे को मतलब ये नहीं समझते। इधर अपने इंडिया में एक स्ट्रांग लॉ नहीं है, अभी लोग बहुत से लोग है ना क्या करते हैं बताए, डॉग्स को
सामने सामने कुछ ना कुछ करेंगे, पैर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कोई चिल्लाए ना तो बोलेंगे कि भाई ये तो मेरा, हम लोग उसको खाने देते हैं, कुछ नहीं कर रहे ऐसा वैसा। बट उनके दिल में तो है भाई करना, है ना। मल्लर आगे जा रहा है, नहीं पूछिए मेरे को, हाँ मेरे को वो देखा भी नहीं है, मैं रुका हूँ। ऐसे टाइम पे कभी भी आगे नहीं जाने का, कभी भी वो लीड कर रहा है मेरे को। ए पार्टी है, पार्टी है इकड़े। देखा ना मेरी बच्ची रे। देखा ना, सीधा रोड चेंज किया ना। वो उधर वो जो रोड है ना गाइस, वो ग्राउंड के बाहर जाने का रोड है, ठीक है। और ये जो सीन है ना अभी, ये देखो, ये मल्लर जिधर है ये ग्राउंड के अंदर है, ओके। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर जैसा भी घूम रहा है वैसा घूम तू, कुछ भी दिक्कत नहीं अपने को, अपन सिर्फ ये करेंगे। बट गाइज, मेरे को जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखो, शेयर करो, और मेरा जो ओपिनियन है वो कैसा है, मतलब मेरा ओपिनियन कैसा है और आपका जो ओपिनियन है वो सिर्फ आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ, ओके। क्योंकि क्या सीन है, ऐसा भाई फिर से किसी के साथ भी हो सकता है। देखो, आपके पास डॉग है, मेरे पास डॉग है, किसी और के पास डॉग है ना, किसी के पास भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई अपन कुछ कर नहीं सकते ना, तभी क्या करेंगे जब आप ए मल्लर पार्टी है। वो देखो बाहर जाने का देख रहा है, बाहर जाएगा तो सीन हो जाएगा गाइस। बाहर मेरे को पता नहीं कौन सा डॉग है, क्या है, क्या सीन है। बट हाँ, आप मेरे को एक राय बता दो कमेंट में, कैसा है, क्या है। और हाँ, मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, कभी करूँगा मेरे को पता नहीं, ये व्लॉग के टाइम पे, व्लॉग के बीच में वो सीरीज आएगी। मतलब एक दिन व्लॉग शूट नहीं हो सकता है तो वो सीरीज बीच में, वो सीरीज का जो टॉपिक है वो मैं डाल दूंगा। और कौन कौन से टॉपिक पे कवर करना चाहिए वो मेरे को बताओ, बिहेवियर इशू कौन सा है, क्या है, कौन सा भी, जो भी आप बोलोगे डॉग के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें आप मेरे को बताओ कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके। मतलब मेरे को समझेगा कि भाई मैं लोगों को कौन से टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, वैसे तो मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगा, जैसे भी, मतलब जो भी बेसिक से लेके प्रो तक, प्रोफेशनल तक। प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, जितना मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उतना मैं शेयर करूँगा। और चाहिए रहेगा अगर कोई, मतलब मुंबई में मेरे साथ रहेगा, है ना, कौन सा डॉग ट्रेनर वगैरह, ए टाम तो मिलेगा मेरे को, तो मैं भाई 101% कन्फर्म उसको भी साथ में लेके वीडियो बनाऊंगा। ए चल इकड़े 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 मल्लर। तो ये बात है, ओके। और अभी बाहर लाया है मल्लर को, मैं उसको लीश करता हूँ। लीश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कीचड़ में गया तो देखो पैर इसके। तो भाई जस्ट अभी हम लोग आ गए ग्राउंड के बाहर, लीश वगैरह उसको डाला। लीश डालना इम्पोर्टेंट की है क्योंकि मल्लर को, मतलब जो डॉग पसंद नहीं है वो अगर सामने मिला तो भाई वो दोनों का फाइट हो जाएगा, और मेरे को नहीं चाहिए कि दोनों का फाइट हो जाए क्योंकि उसको ऐसे ही डॉग पसंद नहीं है जो एग्रेसिव डॉग्स है, ओके। मतलब जो जिनको एग्रेशन है, ओके। ये ऐसा अभी क्यों करता है मेरे को पता है ना। और जो भी है वो सब, मतलब क्या होता है पता है, ऐसा समझता नहीं है भाई। सामने वाला डॉग रिएक्टिव रहेगा, मल्लर भी रिएक्टिव होगा क्योंकि मल्लर भी एक ऐसा, मतलब ये नहीं है, शांत नहीं है किसी दूसरे डॉग को लेके। यस, कैसे हो? बढ़िया एकदम। अभी जिम जा रहे हो? हाँ, कोई नहीं है, कितने बजे खुलते? हाँ, ओके ओके, चलो। तो भाई जिम जाने के लिए, मतलब यार मैं क्या बोल रहा है भाई, जिम जाने के लिए, हाँ। तो भाई क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, काम 25 हो गया मेरा भाई। काम 25 हो गया गाइस। बट ये देखो, जो भी है मैं उसको लीज बांधता हूँ क्योंकि सामने कौन सा भी डॉग मिल सकता है, वो चाहे रिएक्टिव हो चाहे ना रिएक्टिव ना हो। अगर रिएक्टिव नहीं है, मल्लर का दोस्त है या फिर शांत है, दोस्त बन सकता है, तो मैं उसको, मल्लर को भाई आराम से मिलाऊंगा, ओके। अगर रिएक्टिव रहेगा तो भाई कुछ नहीं कर सकते ना अपन। स्ट्रीट डॉग का तो मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत भी, मतलब 5% भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट डॉग
भाई कहीं भी भागते हैं छुप जाते हैं अगर मल्लर का कोई दुश्मन रहेगा तो। ओके बट पेट डॉग नहीं, पेट डॉग लीश रहते कि भाई उनका झगड़ा होना ही है। मल्लर कभी स्ट्रीट डॉग के साथ झगड़ा नहीं किया, सिर्फ दो बार किया रहेगा वो ही डॉग जो था उसके साथ, दो बार नहीं एक बार ही, हाँ एक बार ही उसका हुआ झगड़ा स्ट्रीट डॉग के साथ। और पेट डॉग के साथ भी एक दो बार हुआ है भाई, कुछ नहीं जो है वो है भाई। मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ, मेरे को पता है भाई ये वर्किंग लाइन ब्रीड है, इसको आप कुछ भी यूज करो, कौन सा भी ट्रेनिंग का टूल यूज करो, क्या होता है एक टाइम रहता है, एक टाइम में उनको समझता है भाई। अगर एक बार आपने डॉग को फ्री छोड़ा, जैसे मैं फ्री छोड़ रहा हूँ है ना, तो डॉग आपका भाग के करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ काम पच्चीस सामने वाले डॉग का। और मल्लार एक ऐसा डॉग है कि मल्लार सामने वाले डॉग का स्मेल से पहचानता है कि स्मेल उसका ये है क्या है, कौन सा डॉग है, क्या है, कैसे है। अभी देखो ये खुद दूर जा रहा है इधर से, इधर कौन सा तो डॉग था तो उधर से खुद दूर जा रहा है। ये सब है ना गाइज, ये आप सिखाओगे तो ऐसा होगा। अब अगर आप बचपन से ही आपके डॉग को सिखाओगे, पपी ऐसे ही सिखाओगे कि भाई हर एक डॉग आ रहा है तो हर एक डॉग को मिलो, ऐसा नहीं है। एक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए सेट करो, क्योंकि सीन क्या होता है बाद में डॉग बड़ा होने के बाद मैच्योर्ड होता है तो भाई गुस्सा विस्सा रखता है उसके ऊपर, कौन बार कर रहा है क्या कर रहा है, देखो ये डॉग देखो, तो ये सब गुस्सा वगैरह रखता है तो बात बराबर नहीं है। जा रहे देखो क्या करने आ रहे भाई, ये ऐसा है देखो, ऐसा डॉग को है ना पीछे का स्मेल करने देने का। ये डॉग का भी पीछे का क्यों स्मेल करते हैं उसके वजह से। अभी वो डॉग ग्राउल किया तो ग्राउल क्या किया कि भाई तू मेरे पास में मत आ, ये ऐसा सीधा 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 बोला है देखो। अभी इसके दोस्त लोग को ये करेगा, और ये डॉग देखो कितना बड़ा है देखो ये डॉग, इससे कोई पंगा लेगा क्या, नहीं लेगा। ये देखो और ये देखो कोई नहीं पंगा लेगा, इधर बहुत से डॉग है हाँ, कितने डॉग है देखो। मेरे को गाइस यही बोलना है कि ये डॉग से ना मेरे पहचान के नहीं, बट ये देखो किधर से कितना है डॉग, देखो इधर एक है, इधर तीन है, उधर एक है, पांच डॉग तो इधर ही हो गए, पीछे डॉग है वो अलग है, पीछे तीन चार डॉग है अलग है वो। ये देखो कैसा स्मेल ले रहा है देखो, स्मेल से क्या होता है गाइस इमोशन समझ। अभी मेरा रोड ब्लॉक कर दिया इन्होंने, मैं सीधा जाऊंगा, चल मल्लर क्यों। अभी ये सिचुएशन हैंडल कैसे करने की ना मैं आपको बताता हूँ। ये डॉग कुछ भी एग्रेसिव नहीं है, ये डॉग से ना कुछ भी एग्रेसिव नहीं है। ओके ये डॉग सिर्फ फियर में ये कर रहे, बार्क कर रहे, बोल रहे, सब जो फियर रहता ना फियर डॉग में उसमें एग्रेशन दिखा रहे, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एग्रेशन भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर एग्रेसिव डॉग रहता तो भाई पीछे हटता नहीं है, आप समझ में जाओ। एग्रेसिव डॉग कौन रहता है, जो अल्फा डॉग रहता है उनके पैक का, वो एग्रेसिव डॉग रहता है। ये देखो ये ऐसा है कुछ नहीं, वो देखो वो जो बड़ा वाला डॉग इधर का नहीं था, वो अदर साइड का था, मतलब दूसरे गली का था ऐसा। इनको भी गाइस ये दिए रहते, आप इधर रहोगे हम लोग इधर रहेंगे, आप इधर का संभालोगे हम लोग इधर का संभालेंगे, ऐसा तेज भाई। देखो 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 मल्लर है ना मल्लर गाइस, कभी भी मल्लर सामने से प्रोवोक नहीं करता ना। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी स्ट्रीट डॉग वगैरह कौन सा डॉग कर रहा है तो ना प्रोवोक होता है, ठीक है। अभी मेरे पीछे डॉग आ रहा है, दो डॉग है देखो, ये डॉग ये एक है और एक है देखो ऐसा है। तो ये कभी भी प्रोवोक होता है ना प्रोवोक करता है, बट अगर उसके सामने कोई सा दिमाग में डॉग बैठा है तो कुछ ना कुछ ये करता है, दिक्कत करता है, खींचेगा कुछ ना कुछ करेगा। अभी सीन क्या है मल्लार, अभी मैं एक मतलब ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई इसका जो दोस्त है बट इसको अभी मिले नहीं है, उनको कैसे मिला थे है ना, मतलब वो डॉग भी थोड़े बहुत ऐसे हाइपर एक्टिव है जो भी है आप बोल सकते हो,
उनको कैसे मिलाना वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर को मिलाया था, वो भी एग्रेसिव था, उसको भी एनिमल एग्रेशन था, मतलब डॉग एग्रेशन था, एनिमल एग्रेशन था, ओके। तो भाई मैंने उसको मल्लर के साथ मिलाया, कैसे मिलाया, क्या सिचुएशन था वो, एक्चुअली मैंने वीडियो शूट नहीं किया, वीडियो शूट करने के लिए वो रात में मिलाया था, प्लस रात में फ़ोन लेके नहीं जाता हूँ, ऐसे सीन है। वो सब मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी ये देखो, ये जो डॉग है ना, ये देखो, ये डॉग है ना, ये डॉग भाई मल्लर का दोस्त कब बना, जब मल्लर बड़ा हुआ तभी, लास्ट ईयर उसको बना रहेगा बारिश के बाद में, क्योंकि ये देखो कितने सारे डॉग्स है, देखो ये इतने सारे डॉग्स को मल्लर कुछ करता नहीं है, क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, देखो पीछे लग गए, रहता है गाइस, संभल के गाड़ी चलाओ, जो भी गाड़ी चलाएगा वो, क्योंकि क्या होता है अगर आप संभल के गाड़ी चलाओगे ना, तो भाई आपके पीछे कौन सा भी डॉग लगेगा नहीं। अभी जैसा आपने देखा स्ट्रीट डॉग पीछे लगा, कुछ उनको भी इनसिक्योरिटी रहती है, वो लोग भी है ना, एक रीज़न रहता है सामने पीछे लगने का, ओके। कितने सारे डॉग थे देखो, अभी ये रीज़न क्या रहता है पता है, लोग है ना, लोग उनको मारते हैं गाड़ी से या फिर कुछ ना कुछ छेड़ते, तो भाई उसका एक रीज़न रहता है कि मैं मतलब, या फिर उनके सामने किसी को ठूका हुआ रहेगा, ये भी रीज़न है, तो उसके वजह से भाई फिर वो लोग टेंशन में आते हैं कि भाई मेरा मतलब मेरे को ये कुछ करना है, ऐसा सीन है, ओके। तो यस भाई, मैं इतना ही बोलूँगा, और मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि भाई कैसे डॉग्स को मिला थे, कैसा मतलब प्रॉपर ये करेंगे, फ्रेंडशिप करते, या फिर कुछ ना कुछ अलग अलग वे है वो मिलाने के, वो मैं मिलाऊंगा, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ कोई रखूंगा बंदा, फिर मैं मिलाऊंगा उसको, ओके। आप देखो, अभी हम लोग रोज ये रोड से जाते हैं, आज स्ट्रेट आगे से जाएंगे, थोड़ा बहुत उसको ये करना चाहिए ना। ये देखो, ये कितना बड़ा डॉग है, ये डॉग कितना बड़ा है, आपको लग रहा है ये डॉग किसी को काटेगा क्या करेगा, बट भाई ये डॉग कल मल्लर को रात को काटने आ रहा था, मैं था इसलिए, और पीछे से काटने आते डॉग, और ऐसा नहीं आपको लगेगा अरे वो डरा नहीं, आ रहे कुछ आ रहे, नहीं भाई सच में काटने आते, तो पीछे भी ध्यान देने का, आगे भी ध्यान देने का, आगे ध्यान दो, आगे से कोई काटने नहीं आता है, बट पीछे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा डॉग ऐसा मेरे साथ चल रहा है, ठीक है, कभी कभी लीश पुलिंग करेगा तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि डॉग लीश पुलिंग क्यों कर रहा है मेरा, मतलब उसको कुछ ना कुछ हुआ है या फिर उसको कौन सा तो डॉग दिखा है, ये सब कुछ मैटर करता है गाइस, है ना। आपको आपके डॉग की बॉडी लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरा डॉग कैसा है, क्या है मेरा डॉग, किसके रिगार्डिंग मतलब रिएक्टिव है, किसके रिगार्डिंग क्या है। लोग मेरे को आके पूछे, आके बोले कि भाई आपका डॉग ऐसा एग्रेसिव है, आपका डॉग ये है वो है, मतलब रॉटविलर है, एग्रेसिव रहते हैं ये रहते, तो भाई ऐसा नहीं रहता है, कौन सा भी डॉग ऐसा नहीं रहता, ठीक है। मैं सिर्फ मेरे डॉग को इतना ये कर रहा हूँ, इतना सोशलाइज किया हूँ ना कि भाई आप बोल नहीं सकते। इसको रिएक्टिविटी कब हुआ पता है चालू, जब ये ट्रेनिंग सेंटर में था तभी से इसको रिएक्टिविटी मतलब चालू हो गया, मतलब दूसरे डॉग कोई दिखा एग्रेसिव डॉग, भौंक रहा है डॉग तो उस पर भौंकना, ऐसा ये मेरे को तभी से मतलब प्रॉब्लम चालू हो गया मल्लर के बारे में। ऐसा मेरे को कोई मतलब ये नहीं है, मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ बराबर एक वे से, उसके पहले बिफोर ट्रेनिंग मल्लर है ना इग्नोर करता था, लिटरली इग्नोर करता था डॉग्स को, मतलब उसको डॉग्स के बारे में कुछ पढ़ी नहीं रहती थी मल्लर। लास्ट ईयर फेब में आया था इसको, है ना, लास्ट ईयर फेब में मल्लर मतलब घर पे आया था ट्रेनिंग से, तो उसके बाद से मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मेरे को पता नहीं भाई क्यों,
का, ओके किसानी समझ। देखो ये डॉग्स, देखो गणपति बाप्पा है और पीछे स्वामी समर्थ जी है, ओके। अभी देखो एक क्या सीन है, अभी डॉग जो रहते उनका बिहेवियर कभी भी चेंज होता है। आपका डॉग अभी शांत है तो 10 दिन में कभी अलग हो सकता है। आप अगर डॉग को केनल पे रख रहे हो, पिंजरे में रख रहे हो, उसको एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, तो भाई आपका डॉग मतलब ये करेगा ही करेगा, ओके। बार्क करना चालू हो जाएगा या फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा होता है। आपको अगर पता नहीं रहेगा तो ऐसा होता है। तो आप अगर हॉस्टल पे भी रखना चाह रहे हो तो एक ऐसे हॉस्टल पे रखो, मतलब एक ऐसे बोर्डिंग प्लेस पे रखो जो प्लेस मतलब हर एक डॉग को साथ में रखती है, मतलब जो शांत डॉग है, जो रिएक्टिव डॉग नहीं है, उनको साथ में रखती है, साथ में खेलने के लिए छोड़ती है, ऐसे प्लेस पे रखो। तो आपका डॉग है ना गाइस, वन साइड सोशलाइज हो जाएगा। और डॉग को अलग अलग प्लेस पे सोशलाइज करते लेके जाओ। मैं सब एक टॉपिक में कवर कर दूंगा जो भी अपने टॉपिक है रिगार्डिंग अपने डॉग्स के। और यस, जैसा मैं मतलब बोलूँगा, जैसा मैं कवर अप करूँगा अपने वीडियोस में, ब्लॉग जो वीडियो बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे वो, तो उसमें आपको समझेगा। अभी मैं देखो हमारे इधर के ग्राउंड में आ गया हूँ, जिधर शाम को वगैरह मैं घुमाता हूँ ना उधर। अभी मेरे को घर जल्दी जाना है, क्योंकि घर जाऊँगा तो मेरे को कुछ ना कुछ मतलब इसको क्लियर करना है, सब कुछ मतलब साफ़ करना है, क्लीन करना है ना। डॉग क्या करते, अभी पानी में गया, मिट्टी में गया, इधर नीचे मिट्टी है देखो, इसको अभी ये करना है, प्रॉपर पाइप से वॉश करना है, डेटॉल के साथ वॉश करना है, ये सब बहुत मैटर करता है। अभी लोग हैं ना, लोग बोलते हैं कि मेरा डॉग एग्रेसिवली ये करता है, वो करता है, तो भाई वो आप ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न देखो, है ना। अभी एक मेरा दोस्त है, उसके पास रॉटविलर है 6 मंथ्स का, उसको मैं मिलाऊँगा, जब मिलाऊँगा तब वो आपको क्वेरीज बताएगा, मतलब उसका क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या मतलब क्या करता है वो, ओके, वो सब वो बताएगा। मेरे को पता है भाई ये ऑटो पे ऐसा जाएगा, क्योंकि उसका आवाज़ ही खटरा जैसा है, खटरा जैसा आवाज़ है। हाँ तो मैं आपको मिलाऊंगा उससे, वो एक्चुअली आज आने वाला था, आज ही मिला था बट पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, शाम को अगर आया तो शाम को मिलेंगे, तो मैं उसके लिए वो सेपरेट एक ब्लॉग बनाऊंगा, तो कल में वो अटैच हो जाएगा ब्लॉग, ओके। क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, और मल्लर को मैंने इतना ये किया है ना भाई, इतना मतलब नेक्स्ट लेवल। मल्लर को संभालना, मेरे रॉटविलर को संभालना इतना इजी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है रॉटविलर ब्रीड को, हर एक ब्रीड को टाइम दो, बट ज़्यादा वर्किंग जो ब्रीड है ना, जो बोलते हैं लोग डेंजरस होती है, काटती है, ये करती है, वो करती है, उनको टाइम दो, उनको सोशलाइज करो अच्छे से। ये देखो ऐसा खाते है। अभी ये पापा नहीं है, तो पापा थे तो वो उनको खाना लाते। अभी देखो ये सबसे डेंजर डॉग से, सबसे डेंजर डॉग ये, इनको फ्रेंडशिप मैंने कैसा किया वो आपको समझेगा नहीं। वो अभी है ना विदाउट, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रख सकते वो डॉग के ऊपर, ऐसा डॉग है वो। क्यों, क्योंकि भाई उसके सामने कोई भी जाएगा उसका मूड स्विंग पे डिपेंड है। अभी कभी भी ऐसा बाइट करने जाता है ऐसा है। अभी मल्लर को मैं पास में उसको भेजता ही नहीं, और मल्लर उससे खुद पास में जाता नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो कैसा डॉग है, पागल जरा अच्छा है बट पागल, डॉग के रिलेटेड पागल है वो, मेरे को कुछ नहीं करता है, मैं उसको खाना भी ना देता। अभी देखो उसको, उसके स्मेल पे देखो कैसा ये करता है, क्या करता है। मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, देखो एरिया में, ये हमारा कंपाउंड आ गया तो कंपाउंड में छोड़ देता हूँ मैं, ऐसे कोई बात नहीं, ओके। इधर वो घूमता है, ये देखो ये दोनों आ गए, ये भी मेल डॉग है और ये भी मेल डॉग है, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल डेंजरस है डॉग, ये देखो। तो भाई यस, ये वीडियो अपन इधर तक ही रखते हैं, मेरे को पता है मल्लर पीछे है, मल्लर का टेंशन लेने का है,
मतलब उसको लेके जाना है घर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं आगे जाऊंगा, मल्लर खुद पीछे आता है। और मल्लर मैं घर पे भी गया ना तो भी मल्लर खुद घर पे आ सकते, इतना उसको पता है। ओके, तो यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन भाई, क्योंकि अभी मैं एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ तो वो सीरीज़ से बहुत लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। जो ट्रेनर जो रहते हैं ना वो इतना पैसा लेते हैं, हाँ जो कुछ कुछ है जेन्यून है, बट जो ट्रेनर्स जो है ना इतना पैसा लेते हैं ना, और कुछ मतलब आपको रिटर्न्स नहीं मिलता वो सब आपको। मैं ए चल इकड़े मल्लार, ये देखो इसको स्मेल आता है, स्मेल गाइज स्मेल आता है। ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी पे कौन सा तो डॉग स्मेल यूरिन करके आते तो उसका स्मेल लेने जाते हो। अभी वो आवाज़ करके गया ना, स्मेल लेने गया ऐसा जंप करते करते। मल्लार ये चल चुक आएगा। तो यस भाई, ये जो सीरीज़ में बनाने वाला हूँ वो सीरीज़ मेरे पास है, और कौन सा टॉपिक मेरे को करना है मेरे को भेजो, मैं लिख के रखता हूँ, और जो भी है मैं बोल दूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके, कैसा क्या हैंडल करना है, क्या करना है, चाहे तो मैं आपको फूड एग्रेशन का वगैरह में आपको बता दूँगा प्रॉपरली, है ना, कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब। तो आपको ज़्यादा ट्रेनिंग ट्रेनर के लिए ज़रूरत नहीं होगा, है ना, ऐसी बात है। ट्रेनर अच्छे रहते हैं भाई, बट ये देखो जो अपने से होगा वो अपन करेंगे, जो अपने से नहीं होगा वो अपन नहीं जो अपने से नहीं होगा वो अपन ये करेंगे। मल्लार ये क्यों, जो अपने से नहीं होगा वो अपन ट्रेनर से करवा देना, ऐसा है। तो ये सब करना जरूरी है। ओके, अभी मैं आ गया घर पे, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और जय हिंद जय महाराष्ट्र, भेटे हो जाए ब्लॉग मजे, बाय।